आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है। सहकार रेडियो के श्रोताओं को मोहन यादव का नमस्कार। साथियों, विचारों का आज का सफर करेंगे मुंशी प्रेमचंद के विचार के साथ, जो कि सांप्रदायिकता के बारे में है। अपनी पत्रिका हंस के जनवरी 1934 के अंक में उन्होंने कहा था कि अगर सांप्रदायिकता अच्छी हो सकती है तो पराधीनता भी अच्छी हो सकती है, मक्कारी भी अच्छी हो सकती है, झूठ भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पराधीनता में जिम्मेदारी से बचत होती है, मक्कारी से अपना उल्लू सीधा किया जाता है और झूठ से दुनिया को ठगा जाता है। हम तो सांप्रदायिकता को समाज का कोड़ मानते हैं, जो हर एक संस्था में दलबंदी कराती है और अपना छोटा सा दायरा बनाकर सभी को उससे बाहर निकाल देती है। श्रोताओं, ये थे मुंशी प्रेमचंद के विचार। आशा है आप भी इन विचारों से सहमत होंगे, तो इसे आज से ही अपने जीवन में लागू कीजिए। धर्मों के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा सही या गलत ठहराने की अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण कोशिश मत कीजिए, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने से रोकिए। याद रखिए, सांप्रदायिकता का ये जहर शासकों, सरकारों और धन्ना सेठों का षड्यंत्र है, जिससे जनता संगठित होकर अपनी मेहनत का उचित दाम न मांग सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, मुझे यानी मोहन यादव को नमस्कार। सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।